प्रभातम आज कालांश अर्थात शिशु विद्या मंदिर प्रथम जो कालांश होती गुरु शिष्य संपर्क आज पढ़ा गुरु शिष्य साहित्य भाषा मातृभाषा रखा विषय आगर काल में द्वापर युग द्वितीय युग में जिते बड़े पाठ पढ़ा होते बड़े गुरु शिष्य मैंने गुरु आश्रम बुलाऊ पाठ पढ़ुते पाठ पढ़ा भी गोटे आनंददायक था से शिष्य मान कार्यकारी पाठ पढ़वान सहित सबिद संग्रह करवा गुरु चलवा चाष करवा इत्यादि जहाँ आम देखीजे आम शल्यू आम उपमान्यू एम जो पाठपढ़ा ये पाठपढ़ा महाभारत या गुरु पांडव जो पाठपढ़ा कार्य प्रकार पाठ पढ़ा ये जो आनंददायक था से आनंददायक को गुरु शिष्य मध्य जो संपर्क निविड़ संपर्क था से संपर्क को आज समाज में किभली भाव में प्रतिष्ठित हो पार और ताूर्ण भाव रही पार एम लेखक सतपूर्णनाथ से यही उत्तम रूप से प्रतिपादन करते से भद्रक जिलार उत्तर बाहन ग्राम से प्रफेसर सतपूर्णनाथ 1915 मसीह जन्मग्रहण करते मौलिक शिक्षा संगठित शिक्षा अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान अध्यक्ष भाव में कार्य कर सरकारी कार्य अवसर ग्रहण करते तेणु से थे एकाधार जन शिक्षा अध्यापक थे शिक्षार संगठक थे आउ तत्सत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देखते यही भाव में जीवन अतिवाहित होता सर्वशेष से लेखक रूप से प्रतिष्ठित होते अनेक गुड़ी लेखा ये लिखा जाइए शिक्षा प्रशासक चिंतामूलक प्रबंध लेखक भाव में प्रवेशनाथ प्रसिद्धि अर्जन कर लिखित पुस्तक गुड़िका जगत भारत पिलात कथा आम भाषा विभव विश्व व्यक्ति शिक्षार अभाव जीवन शिक्षा प्रभृति सदा चराचर द्वितीय पुस्तक प्रवेशनाथ आत्मजीवनी चराचर नाम बहुत लिखी द्वितीय पुस्तक से आत्मजीवनी विषय से लिखी थे यही प्रबंध लेखक जीवन शिक्षा पुस्तक रूपित जो गुरु शिष्य लिखिंट ये प्रबंधी जीवन शिक्षा विषय आसी गुरु शिष्य मध्य उत्तम संपर्क गुरुत्व एवं वर्तमान समय में ये संपर्क आवश्यकता और महत्व संबंध में से ही प्रबंध में आलोकपात करेणु गुरु शिष्य मध्य उत्तम संपर्क को गुरुत्व देवे वर्तमान समय में ये संपर्क किपर आवश्यकता रही है तार महत्व किभर आम रही रहा दरकार ये संबंध में आलोकपात कर संसार नीति निम अनुसार थे जन्म मृत्यु सुनिश्चित से भाई 2006 मसीह सतपूर्णनाथ तीरधाम होगले अनेक जीवन गाथा को दे आम आगे हुई चीरदिन चीरदी शयन करगले एवं से गुरु संपर्क को आम देखीद गुरु को नमणीवन गुरु ही साक्षात ईश्वर यही भाव भावना भावमूर्ति प्रस्तुत पुराण जुगर एक कथा पुराण कहुई जे गुरु को नमणीवन गुरु ही साक्षात ईश्वर गुरुकुल शिक्षार यह प्राण स्वरूप था से जुगर गुरु साक्षात ब्रह्म यही दर्शन शिष्य नमस्त कवि यही संपर्क साधना सहित ज्ञान दीप्त और जीवन आधारित किंतु कर्पूर जाइए मात्र कदा पड़ रही अतीत क्रोध बधाई वृथा भाई भाई न्यायी समस्त अतीत जपरी शिक्षा ये इतिवृत्त से हीपरी केवल वृथा अभिवन भावन परिणत हो विषय कई वृथा भावना करा करते ना ये सब आज अबांतर अप्रसंगिक अन्य कहते कहती कि थिला ये राज्य किए आज से कल्पना चलती स्वप्नर आनंद से विभव कै कि जाग्रत अवस्था मर्मांतिक जंत्रणायक हुए कि प्रश्न ये संपर्क फिरवि तेना गुरु शिष्य संपर्क जो था ये गुरु शिष्य संपर्क था जे से गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बोली कहला जो कथा प्रार्थन कहुए गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात महात्म श्री गुरु ये जो कथि कहुई साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप गुरु को जो सजाला अतीतर कहानी कि आज समाज में से ही संपर्क आज कड़े उड़ी जा आज से चली जाइए कना केवल पड़ रही कथि कही ठीक था एवं से कहले जहाँ केवल आम अतीत वृथा भाई भाई केवल आम चिंता करुचु आउ थे से ही संपर्क गुरु शिष्य जो संपर्क रही है अतर फेरी आस तेणु आउ कई कहते कि राज्य आज कौन है अर्थात ये राज्य था कौन
आर्तमान कौन ये सब पा कल्पना पे आस स्वप्न आनंद जो स्वप्न कथा देखू ताक देखिए आम आनंद हो जाऊ से स्वप्न दुख स्वप्न देखो आमको आनंद लग जाए बेले बेले आनंद दुख स्वप्न देखा जाए प्रति आनंद से स्वप्न आनंद बेले बेले विफल कर दिए जमी आम स्वप्न प्रबंध पढ़ने जापर से स्वप्न प्रबंध में कौन लिखा जाए कि जाग्रत अवस्था मर्मांतर जंत्र जब वास्तव अवस्था फेरी आसवा अत्यंत कष्टदायक आउ जंत्रणा दिए कि प्रश्न हो संपर्क फेर से गोटे कथा जो शिष्य गुरु और शिष्य मध्य जो संपर्क ये संपर्क आम फेरी आस संपर्क दूरे था शिक्षक आदि गुरु रूपे परिचित होगा मन करना जेको संबोधन एक प्रकार व्यंग जहाँ को सहज में सही हो शिक्षा पद्धति मूल रू चूण पर्यटन गुरु पदवाच्य होवार बासना मन ना शिष्य शब्द अर्थ आदि अभिधान बहिर्भूत मन हुए छात्र आदि शासन विरोध में विद्रोह अभिप्लवी शासन संभवतः प्रासंगिक अप्रगति परिवर्तन शिष्य कहने आम सातुल्य प्रत्येक शिष्य अर्थात शासित सामने छात्र सर्वदा शासित होगा कथा मात्र आज छात्र से सदा सर्वदा शासन विरोध में विद्रोह अर्थ अभिप्रह आज से विद्रोह करने को आगे जाइंट शासन विरोध में तेणु शासन संभवतः प्रासंगिक अप्रगतिर परिपंथी हो जाए तेणु उत्तम उन्मुख शक्ति यही श्रृंखल शासन तेणु यह शिष्य प्राण परिचायक हो रक्षातर में गुरु शिष्य शब्द आदि अभिधान में रूपातरित होफलता संकीर्णता स्वच्छता हिंसा अहंकार आदि आचरण में गुरु और शिष्य भूमिका ग्रहण करके मूल्य घटी यहाँ फल रूपातरीकरण होती परिवर्तित भूमिकार मध्यमूल प्रकृति दुईट दिग्वे अभुक रही संपर्क अर्थात ये गुरु से शिष्य ये शिष्य से गुरु यह द्वारा द्वितीय दिग ये शिक्षा विच्छेद पढ़ाए अर्थात ये कहार तत्पर्य जो कथा यदि कहले प्रबंधिक आज आम भितर रही जाए हिंसा देश संकीर्णता असतता यह सत कारण जड़े छात्र सी समस्त छात्र स्वरूप अर्थात जिते गुरु विद्यालय था अगर विद्यालय थे पिला सर्वदा सर्वदा से छात्र ही रही था पात्र आम चिंताधारा एत संकीर्ण एत सफलता हो जाए हिंसापरायण हो जाए आम गोटे छात्र शिक्षक पाखे पाठ पढ़ा बेल आम हिंसा करे पाखे पढ़ा मो पाखे पढ़ला ना ये जो हिंसा यहाँ दूर उचित ता विस्तृत होमती आम जो द्रोणाचार्य अवसर आम कथा देखा सभी एकलव्य कर्ण पूजा से शिक्षा ग्रहण करने दी जाइला पठाई द्रोणाचार्य करोड़ा द्रोणाचार्य कहते क्षेत्रीय अभाव तो मो शिक्षा दान करेंगे ना किंतु से शिक्षा लाभ करते परशुराम पटा तेरे देखा ये जो संकीर्णता आम भितर जो रही जाए ये सब को दूरीभूत करदेव उचित तेणु ये सब दूरीभूत करदे निश्चित भाव में आउ थे से गुरु शिष्य संपर्क दिन दिन आम फेरी आसवे के सन्देह अवकाश ना तेरे आकरण गुरु शिष्य भूमिका ग्रहण करके मूल्यवान अक्षय घटी जाए यह फल रूपातरीकरण होती परिवर्तित भूमिका मध्यमूल प्रकृति दुई दिग्वे अतुट रही गुरु शिष्य मध्य संपर्क तेणु या द्वारा आम जी गुरु से शिष्य अर्थात छोट पिला शिक्षा कराए तेरे जड़े गुरु जे खाली गुरु हेले हमी से शिष्य शिष्यत्व ग्रहण कले जाए से गुरु पदवाच्य होती तेणु गुरु ये शिष्य से गुरु आजे गुरु से शिष्य यह द्वारा आम कहे साक्षा शिक्षा इच्छा करा अर्थात जे शिक्षा ग्रहण करती से सर्वदा पढ़ाई ग्रहण कर यहाँ सत्य एक सत्य जेकोसी देश गौरव से देश नागरिक कहे तद्वारा देश भैया लोक मान चरित्र जीवन गुण सत्य मुख्य उत्साह जातिर जयगान मूलपिंड हो जीवन अर्थ यही जीवन निर्माण विद्यालय था जीवन प्रभावित हुए जीवन सुंदर गुणभित्ति शिक्षालय चरित्र गठन से विधिवद्ध भाव हुए पुणी शिक्षक हमें विद्यालय शिक्षा यतन को सत्य अशिव सुंदर करें शिक्षक मुख्य दायी यही तीन सीना गुरुकूल शिक्षा को परिचालित करु आज समाज में यह आवश्यक अधिक शिक्षक गुरुत्व समझे कहुए पिता माता जन्म दिखती जन्मदान संपर्क कर्तव्य मात्र घातक खंडा ने प्राण नितक कार्य से किंतु शिक्षक शिक्षा चिरंतन जीवन व्यापी कोटी कोटी प्राण को शिक्षक प्रभावित करती प्रभाव अनंत यह कभी चलो किए कह।
प्रभाव विषय शिक्षायत सचेतनता एकांत आवश्यक दीप रु दीप जलिक निजे जलिक दृष्टांत शिक्षा सेवा क्षेत्र को बहुत भाव में पठन पठन सत्य साधना शिक्षा इतिहास को महिमान्वित कर पठन विरहित पठन केवल शुष्क अकाल परिणत हो प्रभावकारी प्राणर प्राचुर्य जीवन को परिहार करे आदर्श द्वारा यह अभी संक्रमण में सहायक हुए तेणु शिक्षक सदा सर्वदा कहुए पिता केवल जन्म दिखे भी जानी जे सब किसी पढ़ा जाए ये विद्यालय कारण जीवन ए जीवन को जी या विद्यालय एवं आिक्षक प्राणदाता अतएव ये दुज नगरी शिक्षा जमी दीप जल जल सर्वशेष समस्त आलोक प्रदान कर निजे विजा कि शिक्षक शिक्षा दान चिरात सत्य निभे ना बा लिपि जाए ना तेणु यह जड़ी रखा आम शिक्षार जो महत्व प्रतिपादन करवा शिक्षक दायित्व आज जी आम देखा आज डाक्टर इंजीनियर जेत जहाँ रही आज देश जो उन्नति हेल्ले मूल केन्द्र होती शिक्षक तेनाली शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा ही